अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इनहेरिटेबल कैरेक्टर की एग्जांपल पढ़ेंगे, जो आई कलर और अटैच और डी अटैच ये लोग हैं आपके। जैसे कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं, पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें दो एग्जाम्पल आपको दी जा रही हैं, आई कलर की और फ्री और अटैच ये लोग की। तो देखिए, जैसे कि आप आई कलर में देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके आई कलर को एक जीन पेयर कंट्रोल करता है, इसलिए एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर होती है। द जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आयरस ऑफ द पीपल। हमारे आँख के अंदर एक पिगमेंट होता है, आयरस के अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि आँख के कलर को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो ब्राउन पिगमेंट होता है। जितना ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतना ही उस तरह का आई का कलर होगा। जैसे कि इफ़ द जीन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट द आईज आर ब्लैक। अगर पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपकी कलर आईज जो है वो ब्लैक हो जाएंगी, ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगी। और जितना कम वो ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस होगा, उतनी ही आपकी लाइट आई का कलर जो है वो लाइट ब्राउन की तरफ आता जाएगा। ब्लू, ग्रीन है, हेजल आईज है। अब ये देखिए आपके सामने इतनी तरह की हैं। ये जो आई कलर है इसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसमें उससे कम है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। या जितना जो है वो ब्राउन पिगमेंट कम प्रोड्यूस होगा, उतना ही आपका आई का कलर भी लाइट होता चला जाएगा। इस तरह अटैच और डी अटैच ईयर लोब के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के अंदर ये जो लोब्स होते हैं आपके कान का, आप जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कुछ के बिल्कुल नीचे से साथ जुड़े हुए होते हैं और कुछ के नीचे से फ़र्क होता है। विद द साइड ऑफ द फेस वाइल अदर हैव फ्री लोब, दिस कैरेक्टर इज ऑल्सो कंट्रोल। इसको भी जीन कंट्रोल करते हैं। वेन द सेट जीन वर्क द ईयर लोब हैंग फ्रीली। डिटैच है, अगर तो जीन सही प्रॉपर वर्क करता है तो आपका इस तरह का एयर कलर जो है वह ई आई शेप आएगी, डिटैच होगा। ये लोग एक कुछ में ये जीन कंट्रोल नहीं कर पाता, दे रिमेन अटैच विद द साइड ऑफ द वे। तो कुछ लोगों का जीन वर्क नहीं करता तो ये जो आपके लोब है ये बिल्कुल आपके फेस के साथ ही साइड पर जुड़ा हुआ नज़र आता है। ठीक है जी, एक्टिविटी आपने क्या करनी है, अपने फ्रेंड्स 8 फ्रेंड्स का नाम लिखने, उनका आई कलर देखना है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है या ग्रे है। और फिर उनसे पूछना है कि आपके किन पेरेंट्स के अंदर, पैटर्नल पेरेंट्स या मेटर्नल, दादा दादी या नाना नानी से, किस से आपको ये करेक्टर जो है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो, मतलब किसका आपके जैसा है तो उससे ही आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। इस तरह एक्टिविटी 2.3 में इसमें नेम ऑफ योर फ्रेंड 8 है, एयर लोब के बारे में देखना है, फ्री है या अटैच है। ठीक है, तो वो भी ये भी देखना है कि किस में से ये आपको मंथ किलो या आपको या आपके फ्रेंड्स को। उसके अलावा फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, करेक्टर लिविंग थिंग्स आर कंट्रोल बाय द जीन ऑफ द क्रोमोसोम। माइटोसिस इज अ ग्रेटर ब्लेसिंग ऑफ नेचर। इफ देयर वर नो माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कुड नॉट हैव बीन मेंटेन्ड कांस्टेंट। ये माइटोसिस नहीं है, यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस लिखा हुआ है। मियोसिस का प्रोसेस होता है अल्लाह ताला की तरफ से, एक नेचर की तरफ से एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस में ही क्रोमोसोम की तादाद वो मेंटेन रह सकती है, क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम की तादाद वो आधी रह जाती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। इस तरह मियोसिस है आल्सो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग द हेरिडिटरी करेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो मियोसिस के प्रोसेस में जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मियोसिस के प्रोसेस में ही करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये आपका काम है आज का, ये दोनों आप लोगों ने पॉइंट याद करने, आई कलर वाला तो ये अटैच ईयर लोब वाला, और ये दोनों ये टेबल आई कलर वाला और ईयर लोब वाला टेबल जो आपने अपनी कॉपी पे बनाना है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने अपनी याद करनी है, समझनी है, और इसके साथ की पॉइंट्स ये फिर हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।